आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, अगर आप किसी के साथ व्हाट्सएप में प्रैंक करना चाहते हैं, यानी आप अपनी आवाज को लड़की की आवाज में किसी के पास भेजना चाहते हैं तो कैसे भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी आवाज को अलग अलग तरीके से किसी के साथ प्रैंक करना चाहते हैं तो प्रैंक कर सकते हैं, किसी के पास भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम ये काम व्हाट्सएप में कैसे करें तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। और इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को YouTube में सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। अगर ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, आप देख रहे हैं नॉलेज फॉर हिंदी। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ परमिशन देना पड़ेगा, जो कि आपको परमिशन देने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, कुछ परमिशन मांग रहा है जो कि आपको देना पड़ेगा, अलाउ कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ चुका है, यानी आपको जो भी व्हाट्सएप में भेजना है, जिसका जो भी आप बोल के भेजना चाहते हो, जो भी आप एडिटिंग करना चाहते हो, अपने वॉइस को चेंज करना चाहते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लेना है, वो वॉइस को आपको रिकॉर्डिंग कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल लेता हूं, यार मेरे चैनल में आप लोग आते तो सही है, वीडियो देख के भाग जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। तो ठीक है, मैंने ये एक्सेप्ट यानी ये रिकॉर्डिंग कर लिया। ठीक है, रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे अलाउ कर देंगे। ठीक है, अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से यार मैं तो देखे थे, यहाँ पे हमारा बहुत सारा ऑप्शन ऐसे देखने को मिल जाएगा, आप बहुत सारे ऐसे चीज में आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने रिकॉर्डिंग को। ठीक है, जैसे ओरिजिनल आप देख सकते हैं, स्टूडियो बाथरूम का भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे म्यूजिक हॉल मिल जाएगा, थिएटर का मिल जाएगा। थिएटर अगर आप चाहते कि आप थिएटर कहीं रूम में है और अपने दोस्त या किसी को भी बताना चाहते कि मैं थिएटर में हूं, तो आपको यहाँ पे थिएटर जैसे आवाज भी देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे स्टूडियो का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे म्यूजिक हॉल का देखने को मिलेगा और भी आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मैंने ये एक्सेप्ट यानी ये रिकॉर्डिंग कर और यहाँ पे अलाउ, यार मेरे चैनल में आप लोग आते तो सही है, वीडियो देख के भाग जाते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। तो जैसे कि मैंने ये एक्सेप्ट यानी ये रिकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग करने का आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे अलाउ, यार मेरे चैनल में आप लोग आते तो सही है, वीडियो देख के भाग जाते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। तो जैसे कि मैंने ये एक्सेप्ट यानी ये रिकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग करने का आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे अलाउ, यार मेरे चैनल में आप लोग आते तो सही है, वीडियो देख के भाग जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारी आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग मिल जाता है जो कि आप चेंज करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो भी आप सेव कर, यहाँ पे कुछ भी नाम लिख के आपको सेव कर लेना है, कोई भी आप नाम लिख के सेव कर सकते हैं, जैसे कि ओमेन यहाँ पे, ठीक है, ओमेन आपको यहाँ पे वॉइस लिख के आपको सेव कर लेते हैं, जो भी आप सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बैक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वॉइस मैसेज का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसे परमिशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे अलाउ कर देंगे, और जैसे कि फिर से आपको यहाँ पे ओके का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और यहाँ देख सकते हैं इसका लोगो आपको यहाँ पे बना हुआ दिख गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है, जिसको इसके बाद भी आप भेजना चाहते हैं और रिकॉर्डिंग चेंज करके, जैसे कि मैं इसके बाद रिकॉर्डिंग चेंज करके भेजूंगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा दोस्तों, आपको अगर जो भी आप रिकॉर्ड किए, जो अपने वॉइस अभी रिकॉर्ड किए उसे अगर भेजना चाहते हैं चेंज करके, जो आपने चेंज किए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे, ठीक है, इसका लोगो को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे जो कि रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा देखने को, तो आपका जो व्हाट्सअप का रिकॉर्डिंग है आपको उसे ओपन कर लेंगे, यानी करके रख देंगे। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो इसे प्ले कर लेना है। यार मेरे चैनल में आप लोग आते तो सही है, वीडियो देख के भाग जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। कि आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से सेंड कर देना है। सिंपल से जैसे ही सेंड करेंगे दोस्तों, तो आपको क्या होगा कि ये रिकॉर्डिंग आपके जो जिस किसी को आप भेजना चाहते हैं वो आप उसे आसानी से भेज सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी वॉइस का रिकॉर्डिंग को जो होता है, जो ये वॉइस जो होता है उसे चेंज कर सकते हैं आसानी से। आप कई तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ओमेन का ही चेंज करें, कोई बच्चे एनिमल बाथरूम या थिएटर का भी, अगर आप थिएटर में नहीं है तब भी आप उस तरीके की आवाज़ निकाल सकते हैं, आवाज़ भेज सकते हैं चेंज।